कौन सी गाथा चल रही है अपनी बताओ। एक सौ सात नंबर की गाथा चल रही है अपनी, देखिए। चलो कल अपन ने गाथा का अन्वयार्थ पढ़ा था, ये 107 गाथा का अन्वयार्थ आज अपन उसकी टीका पढ़ेंगे। टीका, जैसे एक मोतियों की माला हार के रूप में, सूत्र धागा के रूप में और मोती के रूप में त्रिधा अर्थात तीन प्रकार से विस्तारित की जाती है, उसी प्रकार एक द्रव्य द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में और पर्याय के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। क्या कह रहे हैं? मोतियों की माला। किसकी माला है? मोतियों की माला। तो मोतियों की माला में क्या-क्या होता है? तो मोतियों की माला एक तो हार के रूप में, हार है ना पूरा अखंड, तो सूत्र धागा के रूप में और मोती के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित की जाती है, उसी प्रकार एक द्रव्य द्रव्य के रूप में और गुण के रूप में और पर्याय के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। समझ में? मोतियों की माला वो क्या है यहाँ पर? द्रव्य। अब ये द्रव्य दो प्रकार के हैं, एक संपूर्ण वस्तु और एक वस्तु का जो सामान्य अंश है उसको भी यहाँ द्रव्य कह रहे हैं। ऐसे दो प्रकार के द्रव्य हैं, द्रव्य के अंदर द्रव्य गुण पर्याय तो एक द्रव्य द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में और पर्याय के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। जैसे मोतियों की माला है तो वह हार के रूप में भी है क्या? तो हार उसका सामान्य अंश है, मोतियों की माला हार के रूप में, सूत्र धागा के रूप में, धागा है ना जो पूरी मोती की माला में पिरोया हुआ है, और मोती ये अलग अलग इनके रूप में तीन प्रकार से विस्तारित की जाती है। कौन? मोतियों की माला। ऐसे ही एक द्रव्य द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में, पर्याय के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। आगे समझ में आया यहां तक तो? अब आगे, और जैसे एक मोतियों की माला का शुक्लत्व गुण, शुक्ल हार, शुक्ल धागा और शुक्ल मोती, ऐसे तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। क्या? मोतियों की माला का सफेदी पना, तो सफेदी पना जो गुण है ना, मोतियों की माला का सफेदी पने रूप गुण, वो सफेदी पना रूप गुण सफेद हार भी कहा जाएगा, सफेद धागा भी है और सफेद मोती, ऐसे तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। उसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण, सत्ता गुण को भी हम तीन प्रकार से कहेंगे। वो सत्ता गुण, तो सत्ता गुण की मुख्यता से द्रव्य को सत द्रव्य
और सत्ता गुण का सत गुण और सत पर्याय, मैंने सत की अपेक्षा से ये तीन चीजें, सत को ही देख रहे हैं ना हम, जैसे मोतियों की माला के सफेदी गुण को देखा तो हार सफेद, धागा सफेद, मोती भी सफेद, ऐसे द्रव्य की सत्ता गुण की तरफ से देखते हैं तो द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय भी सत, ऐसे सत को सत द्रव्य सत गुण और सत पर्याय ऐसे तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। और जिस प्रकार एक मोतियों की माला में जो शुक्लत्व गुण है, जो सफेदी पना है, जो शुक्लत्व गुण है, वो हार नहीं है, केवल सफेदी गुण पूरा हार नहीं है, और सफेदी गुण धागा भी नहीं है पूरा, तो सफेदी गुण अकेला मोती भी नहीं है। बोलो, एक तरफ कह रहे हैं सफेद हार, सफेद धागा और सफेद मोती, और अब कह रहे हैं सफेदी गुण वो ना हार है ना धागा है ना मोती है, कैसी कैसी बातें करते हैं। पहले कह रहे हैं कि सफेदी को सफेदी हार, सफेद धागा और सफेद मोती ऐसे तीन रूप में विस्तारित किया जाता है, और अब कह रहे हैं कि जो हार है, धागा है, मोती है, वो सफेद व शुक्लत्व गुण नहीं है। क्या वो शुक्लत्व गुण नहीं है? हार अलग है, धागा अलग है और मोती अलग है। हार अकेला शुक्लत्व गुण होता, हार अकेला एक शुक्लत्व गुण होता तो शुक्लत्व गुण को ग्रहण करने पर संपूर्ण हार का ग्रहण हो जाता, चक्षु इंद्रिय से ही संपूर्ण हार का ग्रहण हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल चक्षु इंद्रिय से रूप का ग्रहण होता है, संपूर्ण हार का ग्रहण नहीं होता है। हार का वजन कितना ये रूप से नहीं पता चलता है। इसलिए सफेदी गुण अकेला, सफेदी जानने से हमने उसके और गुण नहीं जान लिए, सफेदी ये पूरा हार नहीं है। सफेदी ना हार है ना धागा है और ना मोती है, और जो हार धागा मोती है वो अकेला शुक्लत्व गुण नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव अर्थात तद्रूप होने का जो अभाव है, तद्रूप वह नहीं है, उस रूप नहीं होना, तो एक दूसरे में जो एक दूसरे का अभाव है, एक दूसरे में उसका अभाव, जैसे दूसरे में पहले का अभाव, पहले में दूसरे का अभाव, अर्थात तद्रूप वही रूप, उस रूप होने का अभाव है, वह तद अभाव, जो तद्रूप होने का अभाव है वही तद अभाव लक्षण अतद भाव, तद अभाव तत् का अभाव, उस पने का अभाव, उस रूप होने का अभाव, तद मने वही, तो वही नहीं है ये, वही का अभाव है। जैसे जो द्रव्य वही गुण नहीं है, गुण है वो पर्याय नहीं है, द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, एक एक गुण भी अलग अलग है, तो वह नहीं है, यही अतद भाव है। तत् का अभाव लक्षण अतद भाव है, जो अतद भाव अन्यत्व का कारण है, अतद भाव किसका कारण है, जो कि अन्यत्व का कारण है। इसी प्रकार एक द्रव्य में जो सत्ता गुण है वो द्रव्य नहीं है, और सत्ता गुण अन्य गुण भी नहीं है, सत्ता गुण पर्याय भी नहीं है, और जो द्रव्य है, अन्य गुण है या पर्याय है, वो सत्ता गुण नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव अर्थात तद्रूप होने का अभाव है, उस रूप होने का अभाव है, वह तद अभाव लक्षण अतद भाव है, जो कि अन्यत्व का कारण है। कितनी सरल थी तो गाथा, पहले मोती हार धागा देख के लग रहा था कि कुछ कठिन करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है, सामान्य रीति में ही बताया, वही जो पीछे कहा था, वह नहीं है, उस रूप होने का अभाव ना, जैसे ज्ञान है वह दर्शन नहीं है, दर्शन है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है वह आत्मा नहीं है, आत्मा है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है वो केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। माने एक दूसरे का अभाव, द्रव्य गुण पर्याय का परस्पर में अभाव, वह तद्रूप क्या उसका, तद माने उस, वह उसका, तो अभाव माने होना, उसका अभाव होना, उसका नहीं होना ही अतद भाव है। क्या जो भी वस्तु है उसका अन्य में नहीं होना, तत् का अभाव वह अतद भाव। भावार्थ देखो, भावार्थ पढ़ते हैं। एक आत्मा का विस्तार कथन में आत्मद्रव्य के रूप में
ज्ञान आदि गुण के रूप में और सिद्धत्व पर्याय के रूप में तीन प्रकार से वर्णन किया जाता है। क्या कहा? एक आत्मा का विस्तार से कथन करो। तो आत्मा का कैसे कथन करेंगे? आत्म द्रव्य, ज्ञान आदि गुण और सिद्धत्व आदि उसकी पर्याय। ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों हो गए ना, आत्म द्रव्य, ज्ञान आदि गुण और सिद्धत्व पर्याय। ऐसे तीन प्रकार से एक आत्मा का वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार सर्व द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। जैसे द्रव्य का तीन प्रकार से कथन किया जाता है, ऐसे गुण को भी तीन प्रकार से समझना चाहिए। जैसे एक आत्मा के, एक आत्मा के अस्तित्व गुण को, तो अस्तित्व गुण को द्रव्य पे लगाओ तो आत्म सत आत्म द्रव्य, और सत ही उसका ज्ञान आदि गुण, और सत ही सिद्धत्व आदि पर्याय। माने द्रव्य भी सत, आत्म द्रव्य सत अस्तित्व युक्त, और सत ही ज्ञान आदि गुण भी सब क्या है उसके सत है, और पर्याय भी सब क्या है सत है, माने अस्तित्व रूप है। तो सत आत्म द्रव्य, सत ज्ञान आदि गुण और सत सिद्धत्व आदि पर्याय। ऐसे आत्मा को तीन प्रकार से, आत्मा को नहीं, आत्मा के अस्तित्व गुण को तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। मैंने सब जगह लगा लेना, द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय के रूप में विस्तारित किया जाता है, गुण भी द्रव्य गुण पर्याय के रूप में विस्तारित किया जाता है, ऐसे सब में लगा लेना। और एक आत्मा का जो अस्तित्व गुण है वह आत्म द्रव्य नहीं है, ज्ञानादि गुण नहीं है, या सिद्धत्व आदि पर्याय नहीं। जो आत्मा का अस्तित्व गुण है वो संपूर्ण आत्म द्रव्य नहीं है। एक गुण अकेला आत्मा नहीं हो जाता, आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है, वो अकेला एक गुण रूप कैसे हो जाएगा? इसलिए आत्मा अकेला या आत्मा का जो अस्तित्व गुण है वह संपूर्ण आत्म द्रव्य नहीं है। और ऐसे जो अस्तित्व है वो ज्ञान आदि गुण नहीं है, ज्ञान आदि गुण भिन्न है। और जो सिद्धत्व आदि पर्याय है वो भी अस्तित्व गुण नहीं है, अस्तित्व गुण सिद्धत्व आदि पर्याय रूप भी नहीं है। क्या सिद्धत्व अस्तित्व गुण सिद्धत्व आदि पर्याय नहीं है? और जो आत्म द्रव्य है वो कैसा है? जो आत्म द्रव्य है या ज्ञान आदि जो अनंत गुण है अस्तित्व को छोड़कर, या सिद्धत्व आदि पर्याय है, वे सब अस्तित्व गुण नहीं है। जैसे ज्ञान आदि जितने अनंत गुण है वो अस्तित्व गुण नहीं है, आत्म द्रव्य अस्तित्व गुण नहीं है, और सिद्धत्व आदि पर्याय वो अस्तित्व गुण नहीं है। इस प्रकार उनमें परस्पर अतद भाव है जिसके कारण उनमें अन्यत्व है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। कितना बढ़िया समझाया एकदम है, बोलो समझ में आया किसी को? एकदम स्पष्ट है। जो द्रव्य गुण पर्याय है ना, मतलब कोई भी द्रव्य को भी हम द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में, पर्याय के रूप में कह सकते हैं, गुण को भी द्रव्य गुण के रूप पर्याय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन वे परस्पर में है भिन्न भिन्न, ये बताया। उनका परस्पर में एक दूसरे में अभाव है। जो द्रव्य है वो गुण पर्याय नहीं है, और जो गुण है वो अन्य गुण रूप नहीं है, द्रव्य पर्याय नहीं है। ऐसे जो पर्याय है, पर्याय से नहीं समझाया, देखो कि जो पर्याय है ना, पर्याय भी तीन रूप में बताई जा सकती है। क्या? जैसे पर्याय द्रव्य, पर्याय गुण और पर्याय द्रव्य, पर्याय पर्याय, तो पर्याय भी, लेकिन न द्रव्य है न गुण है न अन्य पर्याय, एक पर्याय अपने रूप ही है। इसलिए एक दूसरे में जो उनका अभाव है उसी का नाम अतद भाव है, ये यहाँ पर समझाया। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। अभी आगे, अभी अभी पूरी नहीं हुई है ये भाव, अभी आगे हो रहे। देखो, इस प्रकार इस गाथा में सत्ता का उदाहरण देकर अतद भाव को स्पष्टतया समझाया गया है। यह इतना विशेष है कि जो सत्ता गुण के संबंध में कहा है वह अन्य गुणों के विषय में भी भली भांति समझ लेना चाहिए। कैसे? जैसे कि सत्ता गुण की भांति एक आत्मा के पुरुषार्थ गुण को पुरुषार्थी आत्मद्रव्य, पुरुषार्थी ज्ञानादि गुण और पुरुषार्थी सिद्धत्वादि पर्याय इस प्रकार विस्तारित कर सकते हैं। अभिन्न प्रदेश होने से इस प्रकार विस्तार किया जाता है, फिर भी संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद होने से पुरुषार्थ गुण को तथा आत्मद्रव्य को, ज्ञानादि अन्य गुण को और सिद्धत्वादि पर्याय को अतद भाव है जो कि उनमें
अन्यत्व का कारण है, अन्य अन्य बने का कारण, माने वो वही नहीं होने का, वो उस रूप नहीं है ना, तद्भाव है ना, वह वह नहीं है, तो वो वह नहीं है, तो ये अतद्भाव ही उनमें अन्यत्व को स्थापित करता है कि यदि वह वह नहीं है तो वे अन्य अन्य है। ठीक है, यहां तक कोई प्रश्न किसी को? चले आगे अपन, चले आप लोग की आज्ञा हो तो चलते हैं आगे अपन। 107 नंबर की गाथा पूर्ण होती है। अब 108 नंबर की गाथा, अब सर्वथा अभाव व तद्भाव का लक्षण है, इसका निषेध करते हैं। सर्वथा अभाव की वह वह है, वह वह नहीं है, तो वह वह नहीं है ऐसा सर्वथा अभाव रूप तद्भाव का अतद्भाव का लक्षण नहीं, माने अतद्भाव कथनचित अभाव रूप है। जैसे द्रव्य व गुण नहीं है तो कथनचित द्रव्य गुण नहीं है, सर्वथा द्रव्य और गुण को अलग अलग मानेंगे, अन्य अन्य मानेंगे, तो उनके प्रदेश भिन्न भिन्न मानेंगे, प्रदेश भिन्न भिन्न मानने में तो पूरी वस्तु व्यवस्था ही विपरीत हो जाएगी ना, इसलिए वो सर्वथा मतलब प्रदेशों की अपेक्षा अन्य अन्य हो, या सर्वथा तद्भाव जो है माने सर्वथा अभाव एक दूसरे में एक दूसरे का, वो अतद्भाव का लक्षण, इसका निषेध करते। कथनचित एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव है, सर्वथा एक का दूसरे में अभाव, वो जो है अतद्भाव का लक्षण कोई माने तो उसका निषेध करते हैं। अन्वयार्थ पत्र 108 नंबर की गाथा, अन्वयार्थ पहले गाथा पढ़ते हैं। पढ़िए अनीता जी, पढ़िए गाथा 108 नंबर। जम दवम तमण गुणो जो भी गुणो सोण तच मधु ऐसो अतभावो नेव अभावो तिणी दिठो। बहुत बढ़िया, अब एक सेकंड इसमें सचिन सार जी कहाँ गए हो? ओल्ड एक सौ आठ गाथा छी ना अपने को,
दिख रहा है आप लोगों? अर्चना जी पढ़िए, 108 नंबर की गाथा हिंदी। सर हिंदी का, हिंदी ये कभी वो पढ़ना है, पद्य पढ़ना है ना? हाँ द्रव्य व गुण नहीं, अर गुण द्रव्य ना, अत भाव यह सर्वथा जो अभाव है वह नहीं, अतद भाव है। द्रव्य वह गुण नहीं, अरे गुण द्रव्य ना, अतद भाव या सर्वथा जो अभाव है वह नहीं अतद भाव है। देखो, जम दवम तम न गुणो, जो द्रव्य वह गुण नहीं है, जो भी गुणों सोण तत्सम अथा दो, जो गुण है वह पदार्थ नहीं है, ऐसो ही अतद भावो, ऐसा ही अतद भाव है, नेव भावो न अभाव रूप नहीं है, इति निर्दिष्टो, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। देखो अन्वयार्थ पढ़ो, तरुण अन्वयार्थ। स्वरूप अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, और जो गुण है वह यह द्रव्य नहीं है, यह अतद्भाव है। सर्वथा अभाव वह अतद्भाव नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा दर्शाया गया है। स्वरूप अपेक्षा से देखो, तत् अर्थ पदार्थ रूप से, स्वरूप अपेक्षा से, सॉरी स्वरूप की अपेक्षा से जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, यही अतद्भाव, यही अतद्भाव बता रहे कि वह वह नहीं है, उस रूप होने का अभाव अतद्भाव, तत् का अभाव उसका अभाव, तो द्रव्य का, द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है, यह अतद्भाव है, लेकिन सर्वथा अभाव वो अतद्भाव नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, एक द्रव्य में जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, इस प्रकार जो द्रव्य का गुण रूप से न होना, द्रव्य का गुण रूप से अभवन, माने द्रव्य का गुण रूप से नहीं होना, अथवा गुण का द्रव्य रूप से अभवन माने नहीं होना, अभवन का मतलब भव माने होना है ना, और अभवन माने नहीं होना, तो जो द्रव्य का गुण रूप से नहीं होना, द्रव्य गुण रूप से नहीं है, और गुण का द्रव्य रूप से नहीं होना, गुण द्रव्य रूप से नहीं है, ऐसे गुण का द्रव्य रूप से नहीं होना या द्रव्य का गुण रूप से नहीं होना वह अतद्भाव है। क्या है वो? अतद्भाव। द्रव्य का गुण रूप नहीं होना, गुण का द्रव्य रूप नहीं होना, यह अतद्भाव है, क्योंकि इतने से ही अन्यत्व व्यवहार, अन्यत्र रूप व्यवहार सिद्ध होता है, इतने से ही सिद्ध हो जाता है हमारा, तो अन्य अन्य पने का जो व्यवहार है वो इतनी बात से सिद्ध हो जाता है कि जब हमने कहा कि द्रव्य वह गुण नहीं है और गुण वह द्रव्य नहीं है, तो इतनी बात से सिद्ध हो जाता है कि द्रव्य और गुण अन्य अन्य है, एक नहीं है, क्योंकि वह उस रूप नहीं है, तो जो चीज जिस रूप नहीं है तो फिर वो किस रूप है, मतलब वो उससे अन्य है, जब भी तो वो उस रूप नहीं है, तो वो अन्य अन्य पने का व्यवहार अतद्भाव से सिद्ध हो जाता है, परंतु द्रव्य का अभाव गुण है या गुण का अभाव द्रव्य है, ऐसे लक्षण वाला अभाव व तद्भाव नहीं, मतलब द्रव्य का नहीं होना, द्रव्य का गुण रूप से नहीं होना या गुण का द्रव्य रूप से नहीं होना वो तो अतद्भाव है, लेकिन द्रव्य का होना ही नहीं वो गुण है या गुण का अभाव वो द्रव्य है। अरे गुण का द्रव्य रूप से नहीं होना तो ठीक है, लेकिन गुण का ही नहीं होना, गुण का गुण रूप से नहीं, गुण का द्रव्य रूप नहीं होना अलग बात है और गुण का नहीं होना अलग बात है, गुण के अस्तित्व को तो हमने माना है लेकिन गुण के अस्तित्व को द्रव्य रूप नहीं माना है, और ये तो कह रहा है कि गुण का नहीं होना वो द्रव्य है और द्रव्य का नहीं होना वो गुण है, माने द्रव्य का अभाव ही गुण है और गुण का अभाव वो द्रव्य, माने एक दूसरे का परस्पर में क्या कर रहे हैं, सर्वथा अभाव मान रहे हैं, माने द्रव्य नहीं होना, द्रव्य का नहीं होना गुण है और गुण का नहीं होना वो द्रव्य है, तो कह रहे ऐसे सर्वथा अभाव नहीं है, वस्तु में सर्वथा अभाव मानोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, द्रव्य के अभाव को गुण कहोगे
तो भैया गुण में द्रव्य का रूप नहीं पाया जाता, जो तुम गुण में द्रव्य का सर्वथा अभाव मान रहे हो, और द्रव्य के अंदर एक गुण का, द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है, तो गुण का अभाव द्रव्य है तो क्या द्रव्य में गुणों का रूप नहीं है और गुणों में द्रव्य का रूप नहीं है, जो एक दूसरे का अभाव मान रहे हो उसमें सर्वथा अभाव नहीं है भैया, किसी अपेक्षा से अभाव है कि वह वही नहीं है, यह अभाव है, लेकिन उसमें किसी भी रूप में द्रव्य में गुण ही नहीं है या गुण द्रव्य रूप नहीं है, ऐसा मानेंगे, ऐसे लक्षण वाला अभाव मानेंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये तो फिर सर्वथा अभाव हुआ, और वो सर्वथा अभाव हुआ तद्भाव नहीं है, यानी द्रव्य का अभाव रूप या गुण का अभाव रूप अभाव वो अतद्भाव नहीं है, तो फिर क्या है अतद्भाव, कि भाई वो उस रूप नहीं होने का नाम अतद्भाव, द्रव्य का गुण रूप नहीं होना, गुण का द्रव्य रूप नहीं होना अतद्भाव, लेकिन गुण और द्रव्य के अभाव रूप अतद्भाव नहीं है, यदि ऐसा हो, क्योंकि यदि ऐसा माने कि द्रव्य का अभाव है वो गुण है और गुण का अभाव वो द्रव्य है, यदि ऐसा मान ले कदाचित और ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव को मान ले, क्योंकि अतद्भाव तो हम मानते हैं, तो यदि हम अतद्भाव को माने और ऐसा माने कि गुण का अभाव है वो द्रव्य है और द्रव्य का अभाव है वो गुण है, यदि ऐसा हो तो दो दिक्कतें आएगी, क्या आएगी, तीन 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 दिक्कतें कह रहे हैं। पहली दिक्कत, एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा, एक द्रव्य में अनेकपना आ जाएगा। दूसरी बात, उभय शून्यता दोनों का अभाव हो जाएगा। तीसरी अथवा तीसरी बात, अपौरूपता आ जाएगी। अपौरूपता क्या है आगे समझाएंगे, इसलिए अभी नहीं समझा रहा हूं। अब तीन दोष आएंगे, बताओ क्या क्या दोष आएंगे। पहला दोष, एक द्रव्य को अनेकपना आ जाएगा। दूसरा दोष, कि उभय शून्यता माने दोनों के अभाव हो जाएगा, तुम द्रव्य का अभाव गुण कहोगे लेकिन वास्तव में युक्ति से विचार करेंगे तो द्रव्य और गुण दोनों का अभाव प्राप्त होगा। ऐसे ही यदि तुम द्रव्य का अभाव गुण या गुण का अभाव द्रव्य ऐसा मानोगे तो एक ही द्रव्य को अनेकपना आ जाएगा। अथवा तीसरा बात है, अपौरूपता आ जाएगी, जो हम आगे समझेंगे, इसी को आप समझाते हैं। यहां तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आज अपने क्या बात है, आज लोगों में बिल्कुल छुट्टी मना रहे हैं, आज लगता है सैटरडे की। बेंगलोर पूरा गायब है आज। बेंगलोर वालों की क्लास भी वीकडेज में चलती है, गरम जॉब भी वीकडेज, धर्म भी वीकडेज, वीकेंड पे दोनों की छुट्टी, अजब कहा। अच्छा अब देखो आगे चलते हैं, अभी तीनों को समझाएंगे कैसे आएगी है। द्रव्य का अभाव हुआ गुण है, वो गुण का अभाव हुआ द्रव्य है, ऐसा मानने पर प्रथम दोष तो इस प्रकार आएगा। कैसे आएगा प्रथम दोष, देखो, जैसे चेतन द्रव्य का अभाव व चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य का अभाव व चेतन द्रव्य, इस प्रकार उनके अनेकत्व द्वित्व है, उसी प्रकार द्रव्य का अभाव व गुण और गुण का अभाव व द्रव्य, इस प्रकार एक द्रव्य के भी अनेक बना जाए। मैंने द्रव्य का अभाव, तो द्रव्य का अभाव वो गुण है, तो जैसे चेतन का अभाव वो अचेतन है, ऐसे द्रव्य के अभाव रूप एक गुण हुआ और गुण के अभाव रूप द्रव्य हुआ, तो एक द्रव्य की अनेकपना हो गया ना। कैसे अनेकपना हो गया, कि भाई गुण अनेक हो गए क्योंकि गुण द्रव्य से भिन्न हो गए, गुण का अभाव है वो द्रव्य, द्रव्य का अभाव है वो गुण है, तो गुणों में द्रव्य का सर्वथा अभाव माना है, तो सर्वथा अभाव मानने में क्या होगा कि वो जितने भी गुण हैं वो सब अलग अलग अनेक रूप ठहरेंगे। जैसे उदाहरण कितना अच्छा दिया, चेतन द्रव्य का अभाव हुआ अचेतन द्रव्य, जैसे चेतन का अभाव है वो अचेतन है, तो दो चीजें हो गई कि नहीं होगी, एक चेतन एक अचेतन, और अचेतन द्रव्य का अभाव हो चेतन द्रव्य, तो यहाँ दो वस्तु हो गई ना, चेतन अचेतन, इस प्रकार उनके अनेकपना है। ऐसे द्रव्य का अभाव है वो गुण है और गुण का अभाव वो द्रव्य, तो एक ही द्रव्य में अनेकपना आएगा, माने द्रव्य के एक होने पर भी उस द्रव्य के अनेक पने का प्रसंग आ जाएगा। अथवा उभय शून्यत्व रूप दूसरा दोष इस प्रकार आता है,
जैसे स्वर्ण के अभाव होने पर स्वर्णपने का अभाव हो जाता है, तो स्वर्णपने का अभाव होने पर स्वर्ण का अभाव हो जाता है, इसी प्रकार उभय शून्यत्व माने दोनों का अभाव हो जाता है। सोने का अभाव मानेगे तो सोनापना नहीं रहेगा, सोनेपने का अभाव मानोगे तो सोना नहीं रहेगा। इसी द्रव्य गुण के अभाव में द्रव्य का अभाव हो जाएगा और द्रव्य के अभाव में गुण का अभाव हो जाएगा, तो ऐसे दोनों का अभाव हो जाएगा। और समझ में है ना, उसी प्रकार द्रव्य का अभाव होने पर गुण का अभाव और गुण का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा, इस प्रकार उभय शून्यता हो जाएगी, अर्थात द्रव्य तथा गुण दोनों के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। दूसरा दोष ये हुआ। तीसरा अथवा अपोरूपता। अपोरूपता क्या है, देखो अपोरूपता पढ़ते हैं अपन, पढ़िए नरेश जी अपोरूपता। टिप्पण अपोरूपता का पढ़िए नरेश जी। जी सर, इसलिए द्रव्य और गुण का यहां से सर अपोरूपता क्यों, ये टिप्पणी यहाँ जी। ओके ओके, अपोरूपता सर्वथा नकारात्मकता, सर्वथा भिन्नता, द्रव्य और गुण में एक दूसरे का केवल केवल नकार ही हो तो द्रव्य गुण वाला है, या द्रव्य या गुण इस द्रव्य का है, इत्यादि कथन से सूचित किसी प्रकार का संबंध ही द्रव्य और गुण के नहीं बनेगा। हाँ, अपौरूपता और नकारात्मकता, सर्वथा नकारात्मकता, तो कोई वस्तु का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होएगा। जैसे अब आप कहोगे भाई गुण किसे कहते हैं कि द्रव्य के अभाव रूप, तो उसका अपना तो कोई रूप सिद्ध नहीं हुआ ना है। हमने पूछा आपसे कि द्रव्य द्रव्य किसे कहते हैं, आप कह रहे हो गुण के अभाव रूप, और हम पूछ रहे गुण किसे कहते हैं, तो बोले द्रव्य के अभाव रूप। तो दोनों के अस्तित्व दोनों का स्वरूप सिद्ध कहाँ हुआ। आपने पूछा मेरा घर कहाँ है, बोले जहाँ उनका घर नहीं है वहाँ इनका घर, तो इनका घर कहाँ है जहाँ इनका नहीं है वहाँ इनका है। अरे तो इससे दोनों का स्वरूप कैसे समझ में आएगा, इससे कोई भी बात स्पष्ट होगी क्या? क्या ऐसे ही द्रव्य का अभाव है गुण है, द्रव्य का अभाव है गुण है, तो गुण समझ में आएगा क्या इससे? कुछ कुछ नकारात्मकता से कैसे समझ में आएगा, उसका अपना खुद का स्वरूप समझाना पड़ेगा ना। किसी चीज की नेगेटिविटी से उस वस्तु के स्वरूप की स्पष्टता तो ही नहीं हो पाएगी, तो हर चीज नकारात्मकता हो जाएगी, कोई भी चीज का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं होगा, तो सारी जगह सर्वथा अपोरूपता हो जाएगी। माने कोई भी वस्तु का कोई स्वयं का अपना निज रूप ही सिद्ध नहीं होगा, जबकि वो कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्वयं का निज रूप है। क्या क्या और इससे माने अभाव सर्वथा अभाव मानने से, एक दूसरे का सर्वथा अभाव मानने से वस्तु का अपना खुद का कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि हम किसी के अभाव रूप माने तो उससे उसका खुद का क्या स्वरूप है, ऐसे कैसे समझ में आएगा। ये उभय शून्यता का थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है उभय शून्यता और अपोरूपता में। नहीं, अपोरूपता मतलब किसी का स्पष्ट, आप जैसे आपसे किसी ने की चीज बोली, मैंने आपसे पूछे कि आपके मार्क्स कितने आए, बोले इनके जितने नहीं आए, उनके जितने नहीं आए, उनके जो नहीं आए वो मेरे आए, इनके तो उनके नहीं आए वो आपके हैं, तो इससे मेरे को आपके क्या आए समझ में तो ही नहीं आएगा। ऐसे द्रव्य क्या है कि गुण का अभाव है, तो गुण का अभाव है वो है, लेकिन द्रव्य अपने आप में क्या है, उसका अपना निज स्वरूप क्या है। क्या ऐसे हमने गुण का पूछा, गुण किसे कहते हैं, बोले द्रव्य का अभाव है गुण है, तो भाई द्रव्य का अभाव है गुण है, लेकिन गुण अपने आप में उसका स्वरूप क्या है, द्रव्य का अभाव है तो अभाव तो नहीं होना है, उसका खुद का होना क्या है, जो चीज नहीं होना है वही स्वरूप तो ही नहीं है, होना क्या है, फिर द्रव्य का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप ही स्पष्ट नहीं आएगा ऐसे अभाव मानेंगे। ठीक है, और उभय शून्यता में, उभय शून्यता माने वो एक दूसरे के बिना रहते नहीं, द्रव्य गुण के बिना नहीं, गुण द्रव्य के बिना नहीं है, तो हम द्रव्य के अभाव से गुण को सिद्ध करेंगे, तो द्रव्य के अभाव मानने पर गुण का भी अभाव जाएगा, और गुण के अभाव मानने पर द्रव्य का भी अभाव आएगा, तो दोनों का ही अभाव जाएगा, तो उभय माने उभय माने दोनों, तो दोनों की शून्यता का प्रसंग आएगा।
ठीक है, और पहला वाला ही बता दो, पहला वाला तुम्हें समझ में आया हो तो। और पहले में ऐसा है कि मतलब अभी तक वो द्रव्य एक ही था, लेकिन अगर उनके तोड़ दिया कि द्रव्य और गुण अलग अलग हैं, तो एक की जगह वो अनेक हो गए। बराबर है, उसमें अनेक बना आ जाए, क्योंकि चेतन का अभाव वो अचेतन है, अचेतन का अभाव चेतन है, ऐसे द्रव्य का अभाव गुण, गुण का अभाव द्रव्य, तो अनेक बना हो गया ना, तो ऐसे द्रव्य को अनेक बने का प्रसंग आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, तीनों अच्छे समझ में आ गए। इसलिए द्रव्य और गुण का, अरे अपन ने नहीं पढ़ा अभी, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और पढ़ते हैं। नरेश जी पढ़ो तीसरा पॉइंट, सर टिप्पण का बोल रहे हैं? टिप्पण तो पढ़ ही लिया ना अपन ने। अच्छा तीसरा पॉइंट, जैसे पटा भाव मात्र ही घट है, घट घटा भाव मात्र ही पट है, अर्थात वस्त्र के अभाव जितना ही घट है और घट के केवल अभाव जितना ही वस्त्र है। इस प्रकार अपोह रूपता है, उसी प्रकार द्रव्य भाव मात्र ही गुण और गुण भाव मात्र ही द्रव्य होगा। इस प्रकार इसमें भी द्रव्य गुण में भी अपोह रूपता आ जाएगी, अर्थात केवल नकारात्मक नकार रूपता का प्रसंग आ जाएगा। हाँ, इसलिए इसलिए द्रव और गुण का एकत्व, अशून्यत्व और अनपोहत्व चाहने वाले को यथोक्त ही जैसा वहां कहा वैसा ही अतद्भाव मानना चाहिए। बहुत बढ़िया, देखो क्या कहा यहाँ, जैसे पट का अभाव मात्र ही घट है, ये घट की परिभाषा किसी से पूछी क्या है, घट का अभाव, पट का अभाव ही घट है। अब पट का अभाव घट है, तो इससे ये क्या समझ में आया आपको बताओ। मैं कोई भी चीज यदि आपको बोलूं, किसी भी चीज का, क्यों क्लास कितनी बजे लगेगी, 7 बजे नहीं लगेगी, 7 बजे नहीं लगेगी, बंद कर दूं मैं क्लास, कल क्लास 7 बजे, मतलब आपने पूछा कितनी बजे लगेगी, मैंने 7 बजे नहीं लगेगी, ये 7 बजे नहीं लगेगी, ये कोई आंसर हुआ क्या, कितनी बजे लगेगी तो ये बताओ ना। ऐसे ही हमने पूछा क्यों, द्रव्य क्या है, कि गुण का अभाव है वो द्रव्य, अभी गुण का अभाव द्रव्य है तो इससे क्या समझ में आया, ये तो बताओ कि भाई द्रव्य का अपना निस्वरूप क्या है, नहीं तो नेगेटिविटी वाली बात हो गई बस, नकारात्मकता वाली, तो इससे कोई वस्तु का स्वरूप सिद्ध कैसे होगा। और ऐसे ही हमने आपसे पूछा क्यों, द्रव्य क्या है कि गुण का अभाव, और गुण क्या है कि द्रव्य का अभाव, तो इससे ना दोनों का स्वरूप, किसी का भी स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, अपना निच का स्वरूप क्या है वो समझ में नहीं आएगा, और नकारात्मकता का प्रसंग आएगा, मतलब हर चीज जो है ना, हर चीज का आंसर फिर नकार रूप, नकारात्मक दिया जाएगा। क्या कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, बताओ मैंने आपसे पूछा अभी अपन कौन सी गाथा चल रही है, तो आप कहोगे 101 नहीं चल रही है, कोई कहेगा 102 नहीं चल रही है, 103 नहीं चल रही है पंडित जी, तो इससे क्या होगा, इससे क्या चल रही है ये कैसे समझ में आएगा, केवल नकारात्मकता का प्रसंग बनेगा, तो सब मतलब द्रव्य में गुण में सब में अपौरूपता आ जाएगी, मैंने अपौरूपता होने किसी का स्वरूप स्पष्ट भाषित नहीं होएगा, क्योंकि सब एक दूसरे पे अवलंबित हो जाएंगे, तो वो उसका खुद का क्या स्वरूप है समझ में ही नहीं आए। जैसे पट का अभाव ही घट है और घट का अभाव ही पट है, माने वस्त्र का अभाव जितना ही घट है और घट के केवल अभाव जितना ही वस्त्र है, केवल अभाव है, माने उसका स्वरूप केवल उसका अभाव ही उसका स्वरूप है, तो कह रहे ऐसा नहीं, ऐसे तो दोनों की अपौरूपता है, माने दोनों की अपौरूपता, माने ना तो द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट हुआ ना गुण का, दोनों की अपौरूपता। उसी प्रकार द्रव्य भाव मात्र गुण और गुण भाव मात्र द्रव्य होगा, इस प्रकार इसमें भी माने द्रव्य गुण में भी अपौरूपता आ जाएगी, अर्थात केवल केवल और केवल नकारात्मकता का, नकार रूपता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए जो जीव द्रव्य और गुण का एकत्व चाहते हैं, अशून्यत्व चाहते हैं और अनपोहत्व चाहते हैं, उनको यथोक्त ही जैसा द्रव्य का है वैसा ही अतद्भाव मानना चाहिए, मैंने जैसा हम अतद्भाव कह रहे हैं उतना ही मानो, अपनी अक्ल से ज्यादा नहीं, कि द्रव्य का अभाव है वो गुण है, अरे द्रव्य का गुण रूप अभाव है, गुण का द्रव्य रूप अभाव है, लेकिन द्रव्य का अभाव ही गुण थोड़ी नहीं है, या गुण का अभाव ही द्रव्य, ऐसा नहीं है क्या। इसलिए जैसा कहा है जितना कहा है उतना ही मानो, आगे नहीं बढ़ना। जिनवाणी में क्या है, वचन है बताओ, रत्न शाह का 4वें सम्यक ज्ञान अधिकार का पहला श्लोक,
रत्नगण शौकाचार्य के सम्यक ज्ञान अधिकार का पहला श्लोक किसी को याद है? बोलो याद हो तो। रत्नगण शौकाचार्य किसी को याद नहीं इसका अंदर। अन्योन्म अतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता निसंदेहम वेद यद आउ तद ज्ञान आगमिना। ये सब बचपन की कमाई है ये सब। तो न तो अन्योद्र अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विप्रिया, माने न तो कम मानो न अधिक मानो, याथा तथ्य जैसा है वैसा मानो और बिना विपरीतता के मानो, तो वो सम्यक ज्ञान है। ऐसी जो द्रव्य और गुण का जैसा स्वरूप है जैसा कहा है वैसा मानो, न अधिक न कम न विपरीत, तो सही है। तो इसलिए उन्होंने आखिरी में सार रूप में कहा कि इसलिए द्रव्य और गुण का एकत्व अशून्यत और अनपोहत्व चाहने वालों को, माने जो द्रव्य और गुण के एकत्व को, उन द्रव्य और गुण का परस्पर में शून्य अशून्यत्व को और अनपोहत्व को जो चाहते हैं, उनको जैसा कहा गया वस्तु स्वरूप अतद्भाव रूप वैसा ही मानना चाहिए। अपनी बुद्धि से एक्स्ट्रा नहीं सोचना चाहिए, जितना है जैसा जिनागम में कहा है वैसा मानना चाहिए। द्रव्य और गुण को जहाँ एकत्र रूप कहा है, जिस अपेक्षा से एकत्व द्रव्य और गुण का, वैसा मानना चाहिए। सर्वथा मानोगे कि द्रव्य और गुण एक ही है, गुण अनंत गुण एक रूप ही है, अनपोहत्व जो भी है ऐसा जो चाहेगा उसको, तो फिर जैसा कहा है वैसा समझ में नहीं आया उसको। और जो ये सब चीजों का मतलब ऐसा नहीं चाहते, द्रव्य और गुण के अंदर मतलब एकत्व पना, माने गुणों का अभाव पना, द्रव्य का अभाव पना, और जो अनपो पना नहीं चाहते हैं, उनको जैसा ऊपर द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहा है और जैसा अतद्भाव कहा है वैसा अतद्भाव मानना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को? अभी इतने ही रखते हैं आज, थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसी है।